जुड़ चुके हैं दी अर्थ न्यूज़ के साथ और मैं हूं आपके साथ रोमी केरनी। और जिस तरीके से कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ को लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या उन्हें खोला जाएगा या नहीं, अब उस पर जो है एलजी मनोज सिन्हा द्वारा एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया गया है। उन्होंने साफ तौर पर आज कश्मीर में एक फंक्शन के दौरान ये साफ किया कि जितने भी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्हें खोला जाएगा, परंतु उससे पहले 18 साल से अबव जितनी भी वैक्सीनेशन है उसे कम्प्लीट करना होगा। उन्होंने कहा कि लगातार जो है पेरेंट्स जो हैं लगातार अपनी इस पर जो है कहीं ना कहीं क्वेरीज डालते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ को जो है ओपन किया जाए, परंतु उससे पहले एक दायित्व बनता है कि जो भी वैक्सीनेशंस हैं यानी कि जितने भी बच्चे हैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि कॉलेज गोइंग हैं यूनिवर्सिटी गोइंग हैं उनकी वैक्सीनेशन को कम्प्लीट करवाया जाए और उसके बाद ही जो है कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ को ओपन किया जाए। इसके साथ साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि इस महीने में पूरी तैयारी है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को खोल दिया जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि इसके बाद जब कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को खोला जाएगा तो उसके बाद प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स की खोलने की बारी आएगी, परंतु उससे पहले ये एक पूरा प्लान बनाया जाएगा कि किस तरीके से जो है प्राइमरी और जो सेकेंडरी स्कूल्स हैं उन्हें ओपन किया जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने सिक्योरिटी पर बात की और सिक्योरिटी पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर बात करें तो पिछले लगातार जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसमें एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है, परंतु इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो अभी भी कई चैलेंजेस जो हैं लगातार उसका सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें या सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें तो वो पूर्ण रूप से सक्षम हैं और लगातार जो है आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देती हुई नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ उन्होंने महिलाओं को लेकर भी बात की है। उन्होंने महिलाओं के लिए कहा कि इस साल जो है प्लान किया गया है कि तकरीबन 11,000 जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो तैयार किए जाएंगे, जिससे कि महिलाएं जो हैं अपनी आमदनी जो है खुद कमा पाएंगी और किसी पर डिपेंडेंट नहीं हो पाएंगी। कई बड़ी बातों को लेकर जो है आज एलजी मनोज सिन्हा जो है मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर की बदलती तस्वीर की बात हो रही है उस पर अब काम भी शुरू हो चुका है, और साथ ही साथ उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि अभी कोरोना का कहर थमा नहीं है, इससे बचने के लिए जरूरी है कि कोविड-19 का ये जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका जरूर पालन कीजिए। इस अपडेट में बस इतना ही, जुड़े रहें दी अर्थ न्यूज़ के साथ।